गाइस, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर गाइस डूइंग गुड। टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ चैप्टर नंबर 10 मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। बट चैप्टर सॉरी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अपन एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी तक अपन ने क्या क्या कंप्लीट यहाँ पे कर लिया था। ओके, अपन ने वैसे कुछ इलस्ट्रेशन और कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे यहाँ पे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो देखिए ये अपना चैप्टर नंबर 10 है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें देखिए लास्ट वाली वीडियो अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 19 करा था और अपन यहाँ पे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 15 नंबर पे। तो देखिए मैंने इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि मतलब जो आईसीआई का स्टडी मैट है उसमें एक्चुअली क्या है कि सिक्वेंस के हिसाब से मतलब कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन नहीं दे के रखे, इसलिए मैं एक नंबरिंग दे के क्वेश्चन कराता हूँ जिससे क्या रहे एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से रहे और आपको मतलब क्वेश्चन करने में मतलब कोई भी दिक्कत नहीं हो। ओके, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। मैंने इसका फॉर्मेट पहले ही रेडी कर दिया था जिससे कि मतलब वीडियो में अपना टाइम खराब नहीं हो। देखिए इसमें दो फॉर्मेट है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। ओके, देखिए एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट द सेल्स मैनेजर ऑफ अ कंपनी प्रपोजेस टू सेल गुड्स टू अ ग्रुप ऑफ न्यू कस्टमर विथ 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। क्या कह रहे हैं, किनकी एक स्ट्रेटेजी है कि वो सेल्स और प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, सेल्स मैनेजर ऑफ कंपनी प्रपोज मतलब सेल्स मैनेजर क्या कह रहा है कि सेल्स मैनेजर ऑफ अ कंपनी प्रपोजेस टू सेल गुड्स टू अ ग्रुप ऑफ न्यू कंपनी विथ 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। तो इसका क्या मतलब है, 10% ऑफ नॉन पेमेंट कह रहा है सेल्स मैनेजर कह रहा है कि अपन जो न्यू ग्रुप ऑफ कस्टमर्स है उसको अपन गुड्स सेल करेंगे यहाँ पे 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट के साथ में। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 10% के बैड डेब्ट के साथ में इसका रिस्क रहेगा। ठीक है, 10% रिस्क रहेगा किसका, बैड डेब्ट का। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। दिस ग्रुप वुड रिक्वायर्ड 1.5 month क्रेडिट एंड इज लाइकली टू इंक्रीज द सेल्स बाय 1 lakh पर एनम। कह रहे हैं कि मतलब इसको कि अपना क्रेडिट कितने देंगे, 1.5 month की क्रेडिट देंगे जिससे कि अपनी सेल्स कितनी बढ़ जाएगी, यहाँ पे 1 lakh पर एनम के हिसाब से बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 80% ऑफ सेल्स एंड द इनकम टैक्स रेट इज 50%। अपनी प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कितनी है, जितनी भी सेल्स रहेगी उसके 80% अपने प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे और इनकम टैक्स कितना रहेगा अपना, 50% यहाँ पे रहने वाला है। दी कंपनीज मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्स कितना दे के रखा है, 25% उन्होंने दे के रखा है। शुड दी सेल्स मैनेजर एक्सेप्ट प्रपोजल बी एक्सेप्टेड एनालिसिस। अपन को बताना है कि मतलब कि एक्सेप्ट करना चाहिए इस प्रपोजल को कि नहीं करना चाहिए, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक एक मतलब दूसरा सिनारियो बनेगा। पहले अपन यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके आगे अपन बाद में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन तो दे के नहीं रखे, तो अपन को इंक्रीमेंटल अप्रोच से यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि और सिर्फ और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दे के रखी है। ओके, तो आइए अपन सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए एक में हाँ देखिए सबसे पहले क्या क्या दे के रखा है अपन को, ए नंबर पे यहाँ पे अपन को सेल्स दे के रखी है। सेल्स कितनी बढ़ रही थी, 1 lakh पर एनम से, तो अपन 1 lakh रुपए यहाँ पे सेल्स लिख देंगे। फिर अपना इसमें से क्या माइनस होगा, प्लस जो भी एक्सपेंसेस हुए, तो प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कितनी हुए थे, प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे हुए थे 80% ऑफ सेल्स का इन्होंने बोल दिया था। तो 80% कितना हो जाएगा, 1 lakh का 80% 80,000। ठीक है, और यहाँ पे वर्किंग भी दिखा सकते हैं अपन कि इस 1 lakh का 80% हुआ। सी नंबर पे क्या आ गया, माइनस कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर बैड डेब्ट। ठीक है, कितना आ रहा, माइनस करिए तो ये अपना आ जाएगा 20,000 रुपए यहाँ पे। ओके, अब यहां से क्या कर देंगे, माइनस लेस बैड
डेप्ट, तो इन्होंने कितना बोला था, 10% रिस्क है बैड डेप्ट का, तो 1 लाख का 10%, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10,000। ओके, तो अब क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ पे बचेगा अपना 10,000 रुपये। इसमें से अपन टैक्स माइनस कर देंगे एट द रेट 50%, तो अपना हो जाएगा 10,000 इंटू 50%, तो अपना हो जाएगा यहाँ पे 5,000, ये वाला माइनस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सब ब्रैकेट लगा दीजिए जो जो भी माइनस होना है, तो ये अपना क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा, 5,000। अब क्या करना है, यहाँ से अपन को यहाँ पे करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करना है, ठीक है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो मैंने आपको बताया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला इससे पहले वाली वीडियो में, मैं आपको यहाँ पे ही बता दे रहा हूँ। देखिए, जो अपनी अपॉर्चुनिटी, क्या फॉर्मूला था, होता था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इनटू कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय, टोटल 12 मंथ होते हैं तो वो, इनटू रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितनी दे के रखी है, देखिए मैंने आपको बताया था कि या तो वेरिएबल कॉस्ट लेके चलेंगे अपन, या फिर अगर वो भी नहीं दिया है, सॉरी, फर्स्ट वन अपन टोटल कॉस्ट लेके चलेंगे, फिर वेरिएबल कॉस्ट, और नहीं तो फिर सेल्स। तो यहाँ पे अपनी कॉस्ट कितनी दे के रखी है यहाँ पे, ये 80,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से अपन निकालेंगे 80,000, और कलेक्शन पीरियड कितना दे के रखा है, देखिए इन्होंने यहाँ पे बोल दिया था कलेक्शन पीरियड दे के रखा था 1.5 मंथ क्रेडिट, ठीक है, तो वो अपन लेके चलेंगे 1.5 मंथ डिवाइड बाय 12 इंटू रेट ऑफ रिटर्न कितना दे के रखा था, 25% दे के रखा था, आई थिंक, देखिए ये रेट ऑफ रिटर्न 25% यहाँ पे दे के रखा है, तो निकाली कितना आ रहा है, कैलसी कहाँ है, तेरा 80,000 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 12 इंटू 25%, तो ये आ गया 25, ठीक है। तो ये 2,500 अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई, तो इसको यहाँ से माइनस कर देंगे, तो अपना यहाँ पे आ जाएगा नेट बेनिफिट कितना आ जाएगा, 2,500। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, तो आप इसको वर्किंग नोट नंबर बंद दे दीजिए, तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर यहाँ से हो गया, और ये अपना जी माइनस एच, अपनी यहाँ पे नेट बेनिफिट आ गया 2,500। तो ठीक है, अपन को तो क्या करना है, अपन को यहाँ से तो अपन को प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना, क्योंकि 25% मतलब नेट प्रॉफिट आ गया है 2,500, तो अपन को यहाँ पे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सेल्स मैनेजर प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो देखिए अब आगे बढ़ते, आगे क्वेश्चन यहाँ तक का क्वेश्चन यहाँ पे अपन ने कंप्लीट कर दिया, तो अपन ने इस प्रपोजल को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते, आगे का क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, ऑल्सो कंप्यूट द डिग्री ऑफ द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। अब क्या करना है अपन को, डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट निकालना है, मतलब डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ बैड डेप्ट निकालना है। इसका मतलब यह है दैट द कंपनी शुड बी विलिंग टू एज्यूम इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्स वर 30%, 40%, 60%। अब ये क्या क्या कह रहे हैं कि देखिए, जैसे यहाँ पे रिटर्न दे के रखा था ना, जैसे यहाँ यहाँ पे अभी अपन ने कितना 25% लिया, यहाँ पे 25% लिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, इसमें लिया 25%, तो कह रहे हैं अपन को ये वाला रिटर्न 30%, 40% और 60%, अब अपन को निकाला डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट, मतलब अपन को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्या निकालना है, यहाँ पे बैड डेप्ट निकालना है, ठीक है ना, इसका परसेंटेज अपन को निकालना है। तो
इसके मतलब दो तरीके हो सकते हैं, मतलब एक तो क्वेश्चन को अपन उल्टा स्टार्ट कर दें, और एक क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को मतलब सीधा करें और फिर इक्वेशन बना के अपन इसका आंसर निकालें। ठीक है, तो आइए तो अपन एक काम करते हैं, अपन इक्वेशन बना के ही निकालते हैं। आइए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग दी एक्सेप्टेबल डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट, ओके, पर्टिकुलर और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 30, 40 और 60%। तो देखिए यहाँ पे सेल्स कितनी दे के रखी है अपनी, सेल्स तो वही है तीनों केस में अपनी 1 लाख रहेगी, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, ओके। लेस वही क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 80,000 थे तो तीनों केस में 80,000 ही रहेंगे, ओके। अब क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर बैड डेब्ट, ठीक है, इसको ए नाम दे दें, इसको बी, इसको सी, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर डेब्ट आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, लेस क्या हो जाएगी, बैड डेब्ट, ठीक है, तो अपन को बैड डेब्ट तो अभी यहाँ पे कुछ पता नहीं है, ठीक है, 1 मिनट पहले इसका कैलकुलेशन कर लीजिए कितना आ रहा था, 20-20 हज़ार तीनों केस में आ जाएगा, ठीक है। अब बैड डेब्ट तो अपन को कुछ पता नहीं है, तो बैड डेब्ट को अपन क्या एज्यूम कर सकते हैं, एक्स यहाँ पे, ठीक है, बैड डेब्ट को अभी अपन को नहीं पता है बैड डेब्ट कितने, इसलिए अपन को इसको एक्स मान लेते हैं, ओके, एक्स मान लिया। अब इसमें से क्या आ जाएगा, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा, इसमें से इसको अपन माइनस करते हैं तो कितना आता था, देखिए अब आ जाएगा 20,000 माइनस एक्स, यहाँ पे भी 20,000 माइनस एक्स, यहाँ पे भी 20,000 माइनस एक्स आ गया। अब इसमें से क्या कर देंगे, लेस टैक्स कर देंगे, टैक्स कितना, एट द रेट 50%, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20,000 माइनस एक्स इंटू 50% का मतलब क्या होता है, इंटू जैसे 50 डिवाइड बाय 100, तो कितना हो जाएगा, 0.5 होता है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम 20,000 माइनस एक्स इंटू 0.5 और यहाँ पे भी सेम इंटू 0.5, ठीक है। अब क्या आ जाएगा अपना, अब यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर, यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाए तो क्या आ जाएगा, 0.5 का मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 10,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000, 20,000 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 10,000, और 0.5 का यहाँ पे इंटू करेंगे एक्स में तो 0.5x, ठीक है, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, 10,000 माइनस 0.5x, यहाँ पे भी 10,000 माइनस 0.5x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए अब यहाँ पे अपना जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात होती है, या फिर जिसको अपन रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड रिटर्न ही बोल सकते हैं, तो 1 मिनट, रिक्वायर्ड रिटर्न, ठीक है, तो रिक्वायर्ड मतलब इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही बोल सकते हैं एक तरीके से। देखिए जैसे अपन ने यहाँ पे निकाला था, 1 मिनट देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट 1 मिनट, देखिए अपन ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या निकाला था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली थी अपन ने, टोटल कॉस्ट कितनी थी, 80,000 थी, और अपना पीरियड कलेक्शन पीरियड था 1/5 इंटू इंटू 1.5 डिवाइड बाय 12, ठीक है, तो देखिए इससे अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रहे थे, ठीक है, ओके, इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रहे थे, लेकिन अब अपन को कितना चाहिए, पहले अपन निकाल रहे थे 25% से, अब अपन को कितने परसेंट से निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ पे कितने पर, 30 से 40 से और 60 से, ठीक है, तो यहाँ पे 30, एक काम करते हैं इसको अपन केस वन दे देते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस
ठीक है, देखिए तीनों में सेम रहने वाला है, 80,000 इंटू 1.5, सिर्फ यहाँ पे रेट बदल जाएगा, 80,000 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 12, रेट कितना हो जाएगा, और कितना दे के रखा है, 40 और 60, ठीक है, 40% और 60% निकाली, पहले कितना आ रहा है, 80,000 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 30%, तो आ रहा है कितना, 3,000, और इसका 80,000 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 40%, तो इसका आ रहा है 4,000, और इसका आई थिंक 5,000 6,000 आ जाएगा, क्योंकि उससे 10,000 का 60% 6,000 हो जाएगा, 80,000 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 12, तो 10,000 आ जाएगा इंटू 60% तो 6,000 आ जाएगा, तो अपना रिटर्न कितना आ गया इस पे, रिक्वायर्ड रिटर्न आ गया यहाँ पे 3,000, 4,000 और 6,000, 3,000, 4,000 और यहाँ पे 6,000, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, ये आ गया, अब अपन को सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखिए आइए अपन इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, पहले इक्वेशन बन क्या बनेगी अपनी, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 लिखते हैं, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ द वैल्यू एंड परसेंटेज ऑफ बैड डेब्ट इन ईच केस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहली इक्वेशन क्या बन रही है, पहली इक्वेशन बन रही है कि 10,000 माइनस 0.5x इक्वल टू 3,000, ठीक है, यहाँ पे देखिए तो पहली इक्वेशन अपनी बन रही है, एक मिनट, 10,000 माइनस 0.5x इक्वल टू 3,000, ठीक है, ये अपना केस वन चल रहा है यहाँ पे, केस वन, ठीक है। करिए कितना आ रहा है, देखिए 10,000 माइनस 3,000, उस साइड से साइड आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा 7,000 डिवाइड बाय 0.5x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7,000 डिवाइड बाय 0.5 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 14,000, इसको डिवाइड करेंगे तो 14,000 यहाँ पे आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 14,000। और अगर अपन को परसेंट में निकालना है, बैड डेब्ट एज परसेंट ऑफ सेल्स, ठीक है ना, तो सेल्स कितनी थी अपनी, बैड डेब्ट डिवाइड बाय सेल्स, तो बैड डेब्ट कितनी हो गई अपनी, 14,000, और सेल्स कितनी है, 1,00,000, तो कितना हो गया, 14%। आगे समझ में, केस वन हो गया, ऐसे केस टू कर लेंगे, केस टू क्या हो जाएगा, वही 10,000 माइनस 0.5x इक्वल टू 4,000, 10,000 माइनस 0.5x, तो मतलब आप कर ही लेंगे ना बिल्कुल, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ पे, तो 10,000 माइनस 4,000 इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 0.5x, तो यहाँ पे हो जाएगा 6,000 0.5x, ठीक है, तो 6,000 डिवाइड बाय 0.5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12,000, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,000, ठीक है, तो बैड डेब्ट एज परसेंट ऑफ सेल्स कितना आ जाएगा, वही बैड डेब्ट डिवाइड बाय सेल्स, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12,000 डिवाइड बाय 1,00,000, तो कितना हो जाएगा, 12%। से अब केस थ्री में निकाल देंगे यहाँ पे, केस, ठीक है, तो 10,000 माइनस 0.5x इक्वल टू 6,000, तो 10,000 माइनस 6,000 इस साइड आ जाएगा, वो 6,000, और ये उस साइड चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 4,000.5x, तो 4,000 डिवाइड बाय 0.5 इक्वल टू x, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे,
60,000 और फिर बैड डेब्ट एज परसेंट ऑफ सेल्स तो कितनी हो जाएगी, ये अपनी बैड डेब्ट डिवाइड बाय सेल्स कितना हो जाएगा, बैड डेब्ट है कितनी 8,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 तो अपनी हो जाएगी 8% से। ठीक है, पहली आ गई अपनी 14%, दूसरी आ गई अपनी 12%, और तीसरी कितनी आ गई है 8%। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक काम करते हैं, ये मतलब मेन पार्ट ही मानते हैं इसको, अपन वर्किंग नोट का नाम नहीं देंगे क्योंकि अपन को कैलकुलेट यहाँ पे करना था। तो पहला कितना आ गया, पहला रिक्वायर्ड मतलब बैड डेब्ट का रिस्क कितना आ गया 14%, दूसरे केस में 12% और तीसरे केस में अपना 8%। ठीक है, कुछ नहीं करना था, मतलब यहाँ से इन्होंने उल्टा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे के बैड डेब्ट पूछ लिया। एक मतलब नीचे से भी सॉल्व कर सकते थे अपन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, बस यहाँ से मतलब ये सब चीजें जुड़ती जाती ऊपर, और ऊपर जाकर अपना बैड डेब्ट निकल आता, लेकिन अपन ने ऊपर से कर लिया, दोनों में बात तो एक ही है। ओके, तो देखकर किसी को क्वेश्चन नोट करना होगा तो पॉज करके वीडियो नोट कर लेना लीजिए। आई होप सो आप सबको मतलब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। अगर किसी को भी अगर जैसे डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके डाउट पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन के साथ में।